एसपीएनआई न्यूज़, एसपीएनआई न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहा। मध्य प्रदेश की कमान यहां पर देखा जाए तो दिसंबर में नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभाल ली थी, लेकिन अब मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश की जनता की नजरों में खटकने लगे हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजरों में भी कहीं ना कहीं अब वो खटकते नजर आ रहे। आखिरकार खटके भी क्यों ना। आपको बता दें यहाँ पर कि मोहन यादव ने शिवराज की कुछ बनाई योजनाओं को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वो इन योजनाओं को हटाते नजर आए हैं। आखिरकार क्यों, क्या इन योजनाओं से जब जनता को लाभ यहाँ पर पहुंच रहा था तो आखिरकार इन्हें हटाने का मकसद क्या हो सकता है। शिवराज की पहचान को मिटाना चाहते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर कोई और मसला है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर देखा ये जा सकता है कि ऑडिटोरियम भवन का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। नगर निगम के अधीन यहाँ पर 11.5 करोड़ रुपए के इस कार्य को करने में निर्माण एजेंसियां टेंडर लगाने में रुचि नहीं ले रही, इससे निगम अधिकारी असमंजस में है। यह ऑडिटोरियम भवन ELC तिराहा PWD रेस्ट हाउस में बनाया जाना प्रस्तावित था। इसकी स्वीकृति तत्कालीन CM शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले 24 अगस्त को छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान जनसभा में दी थी, लेकिन यहाँ पर सारी योजनाएं जो हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फाइलें जो हैं वो ठंडे बस्ते में पहुंच चुकी हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने अपना कार्यकाल छोड़ने से पहले तमाम योजनाओं को लागू करने का जिक्र यहाँ पर किया था, लेकिन अब वे योजनाएं यहाँ पर जिक्र तो छोड़ी, उनकी जो फाइलें यहाँ पर बनी थी उन फाइलों का भी यहाँ पर अता पता नहीं है। वो फाइलें है कहाँ, वो टेंडर किसको दिया था, किसको नहीं दिया था, किसको वहां पर काम करना था, कोई मतलब वास्ता इस वक्त मोहन यादव को नहीं है। और मोहन यादव यहाँ लाडली बहना योजना पर भी टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना का नाम आते ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जिक्र खुद ब खुद होने लगता है, जिसको मोहन यादव यहाँ स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर ये बात यहाँ कह दी जाए कि मध्य प्रदेश में भाजपा को जिताने वाले शिवराज सिंह चौहान है और दूसरी तरफ लाडली बहने योजना है, लेकिन भाजपा इस बात को कतई स्वीकार नहीं करती। भाजपा को लगता है कि शिवराज एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में बन रहे थे, जिसके चलते उन्होंने शिवराज को एकदम साइड कर दिया। आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर बीते एक हफ्ते पहले PM मोदी मध्य प्रदेश में गए, मंच पर एंट्री करी, सामने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन PM मोदी ने उनकी तरफ एक इशारा तक नहीं किया। यहाँ पर देखा जाए तो एक अलग ही धुन में शिवराज यहाँ खड़े रहे और इंतजार करते रहे कि PM मोदी उनके पास तो आएंगे, उनसे बात तो करेंगे, लेकिन ये वक्त वक्त की बात है कि जिस शिवराज से वो लगातार बातचीत करते रहते थे, आज यहाँ पर CM के चेहरे में कोई और है तो उनसे वो बातें करते नजर आते हैं। इसी तरीके से उत्तर मध्य प्रदेश में तमाम नेता नाराज हैं, जैसे कि सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नेता भाजपा से नाराज है। अब ये नेता क्या खेल खेलते नजर आएंगे लोकसभा चुनाव से पहले, ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।